नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अभी आपको ये कैनाल बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। हम बताएंगे किस तरह से नहर में पानी छोड़ा जाता है और हिमालय से बहता हुआ पानी किस तरह से राजस्थान के सुदूर पश्चिमी इलाके जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बाहर लाता है, जीवनदायिनी के रूप में ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखिए किस प्रकार से जब नहर में पानी छोड़ा जाता है तो जो सूखी नहर है वो भी पानी से लबालब भर जाती है और यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा कर जाती है। साथ ही यहाँ के जानवरों को, यहाँ के पशु पक्षियों को, यहाँ के लोगों को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध करवा देती है। हमारे मरुस्थली जीवन की अगर मैं ये कहूँ कि ये मरु गंगा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे हैं सामने एक झरना सा आपको नज़र आता है। इस झरने में पानी ऊपर से आ रहा है और धीरे धीरे पानी आप देखते जाएंगे इस नहर से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ये जो हमें अभी सूखी नहर दिखाई दे रही है, थोड़ी ही देर में यह नहर पानी से लबालब हो जाएगी और हमारे लिए जीवनदायिनी बन जाती है। आपको छोड़े जाता हूँ इस शानदार संगीत और हिमालय के पानी को किस तरह से हम अपनी रेगिस्तानी मिट्टी में ला पाते हैं उसका ये दृश्य।